अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए जिस फार्म हाउस का रिव्यू लेके आए हैं, इसकी लोकेशन है गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद। टोटल एरिया जो इस फार्म हाउस का है जी, वो है 5 canals, दैट्स इक्वल टू 28,000 square feet। मेरे लेफ्ट साइड पे आप लोग इसका कवर्ड सीटिंग एरिया देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी, आप लोग इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं। बहुत ही मॉडर्न स्पेनिश डिज़ाइन के साथ इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आप एक बात शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मेरे काफ़ी दोस्त अहबाब वगैरह कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पर पूछते रहते हैं कि ये darwaza.com क्या चीज़ है। अभी आप लोगों की एप्लीकेशन लाइव नहीं हुई, ना एप्लीकेशन लाइव हुई है, ना वेबसाइट लाइव हुई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी वेबसाइट भी लाइव हो जाएगी मार्केट में और एप्लीकेशन भी। और सबसे जो मज़ेदार बात है, जो हम फीचर्स उसमें ला रहे हैं, टोटली मार्केट में डिफरेंट होगा सब कुछ। तो अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह प्यार मोहब्बत करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें और जितना स्प्रेड कर सकते हैं इसको करें जी। चलें जी, यहाँ से घर के अंदर दाखिल होते हैं हम लोग। एंट्रेंस का दरवाज़ा आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मैसिव किस्म का है। मेरे राइट पे आप लोग इसका डाइनिंग हॉल देख सकते हैं। घर के अंदर जब दाखिल होते हैं आप लोग, इसके एंटर होते ही बहुत ही मैसिव किस्म के फानूस का वेजा किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका ड्राइंग रूम देख सकते हैं। इंतहाई एक्सपेंसिव चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, इंतहाई एक्सपेंसिव चीज़ों का। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर चीज़ को कोट करूँ, शो करूंगा कि किस कंपनी की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, आप सब लोगों को पता चलता जाएगा इंशाल्लाह। अगर प्रॉपर तरीके से मैं इसको शो करूं आप लोगों के सामने इस फार्म हाउस को, तो आई थिंक 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का मैं बिल्कुल मेंशन नहीं करूंगा, आप लोग देखते जाइए वीडियो के अंदर। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको मैं मार्क करूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका डर्टी किचन देख सकते हैं, सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं आप लोग, रेंज हुड और बर्नर देख सकते हैं आप लोग, कैनन के इंस्टॉल्ड हैं। तो चलिए जी मेन किचन की तरफ हम लोग एंटर होते हैं। यहाँ से हायर का रेफ्रिजरेटर प्री इंस्टॉल है, ओवन आप लोग देख सकते हैं। किचन काउंटर पर आप लोग देख सकते हैं पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और टाइल्स का जो डिज़ाइन है बहुत ही रॉयल लुकिंग पास कर रहे हैं। कैनन का रेंज हुड और बर्नर प्री इंस्टॉल है। हॉल में आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मैसिव किस्म का फानूस अवेजा है। चलें जी, तो इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। बेडरूम का आप लोग डिज़ाइन देख सकते हैं।
इंतहाई डिसेंट डिज़ाइन के साथ इसका सीलिंग डिज़ाइन है। तो चलें जी आगे मूव होते हैं। हम लोग इंतहाई एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड एसेसरीज का इस्तेमाल किया गया है वॉशरूम के लिए, आप लोग देख सकते हैं। वॉशरूम की सीलिंग का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों से बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी की गाड़ी को देखें, किसी के बंगले को देखें, किसी की कोठी को देखें, तो वो उसके पीछे जो उनकी मेहनत होती है, जो उनकी दिन रात की, मैं कहता हूँ डे एंड नाइट की स्ट्रगल होती है, वो उसको बिल्कुल नहीं देखते, जेलसी टाइप फील करते हैं। तो इंसान को बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि किसी बड़े से बड़े बंगले में रह रहे हो, कोई एक छोटे से घर में रह रहे हो, तो क्या पता उस बड़े से बड़े जो बंगले में रह रहे हो उसको आपसे ज़्यादा परेशानी हो। तो इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसकी हक हलाल की कमाई के साथ उसे दुआ करनी चाहिए, उसे अपने साथ एक प्रॉमिस करना चाहिए कि एक दिन अल्लाह ताला उसे भी इस तरह के फार्म हाउस के साथ इसे बड़े, इससे बड़ा और इससे भी खूबसूरत घर से नवाजें। अगर ग्राउंड फ्लोर पर इस वाले बेडरूम को हम लोग किंग बेडरूम अगर कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
चलें जी बेसमेंट की तरफ हम लोग मूव होते हैं। बेसमेंट की तरफ मूव होने से पहले मैं आप लोगों को इसका बैक साइड एरिया दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ सिटिंग एरिया डिज़ाइन किया उन्होंने। फायरप्लेस आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसका सिनेमा रूम देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत वर्क किया गया है दीवारों पर। प्रोजेक्टर ऑलरेडी इंस्टॉल है।
अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों ने फोकस करना है थोड़ा सा कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग बेसमेंट में थे, तो हम लोग ये इसका जो रास्ता है ये इसका ग्राउंड फ्लोर पे कैसे ओपन हो रहा है। तो उन्होंने इसका जो डिज़ाइन है, जो इसका मैप है, जो इसका आर्किटेक्ट है, उन्होंने स्लोप टाइप इसको डिज़ाइन किया है। आप लोग देख सकते हैं इसका, मैं आप लोगों को दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। एक स्लोप आ रही है, स्लोप के नीचे इसकी बेसमेंट है और ऊपर आप लोग इसका ग्राउंड फ्लोर देख सकते हैं, देन इसका अपर पोर्शन आप लोग देख सकते हैं। मीन्स के मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हम लोग इसके बेसमेंट में हैं या इसके ग्राउंड फ्लोर पे हैं। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं इसके अपर पोर्शन की तरफ। तो यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को मैं थोड़ा तेज़ करूँ आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए। बाकी बात आप लोगों को बताता चलूँ कि इस घर में जो भी डेकोरेशन पीसेस हैं, जो भी आप वॉल्स पे देख रहे हैं, जो इसके पॉट्स वगैरह उन्होंने टेबल्स पे रखे, और उसके अलावा जो भी आप कालीन वगैरह देख रहे हैं, जो भी रिमेनिंग एसेसरीज हैं, वो सब इम्पोर्टेड हैं घर के अंदर। तो चलें जी, अपर पोर्शन के फर्स्ट बेडरूम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि छोटी छोटी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पे फानूस है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे पॉट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी। आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए मैं वीडियो की जो स्पीड है उसको थोड़ा फास्ट करता हूँ। अगर हम लोग इस बेडरूम को मास्टर बेडरूम कहें तो गलत नहीं होगा। आप लोग एसेसरीज़ देख सकते हैं वॉशरूम के अंदर, इंतहाई एडवांस और लेटेस्ट और एक्सपेंसिव एसेसरीज़ का इस्तेमाल किया गया है वॉशरूम के लिए। ऑलरेडी मैंने इससे पहले मेंशन किया है कि इंतहाई एक्सपेंसिव एसेसरीज़ का इस्तेमाल किया गया है। घर में जितने भी बोर्ड्स हैं और जो भी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, सब फिलिप्स की यूज़ की गई हैं। अगर आप लोगों में से कोई इसको ख़रीदना चाहता है या इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिमांड जो इस फार्म हाउस की है वो है जी 35 करोड़।